नमस्कार, सलाम अलैकुम। आज फिर हाजिर हूँ कुछ नए अपडेट के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार M24 पर। आइए नजर डालते हैं कुछ मुख्य अपडेट्स पर। सऊदी एयरलाइंस ने मुसाफिरों के लिए नई छूट का किया ऐलान, इंटरनेशनल उड़ानों पर 23% का डिस्काउंट। सऊदी अरब ने फिर से विजिटर वीजा को दिया एक्सटेंशन, पुराने वीजा वाले आ सकेंगे सऊदी अरबिया। यूएई में मास्क पहनने की अनिवार्यता को किया गया समाप्त, चाहे तो नहीं भी पहन सकते हैं मास्क, मिली राहत। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की एक टीम बुधवार को सार्वजनिक तौर पर कहा है कि जो भी लोग सऊदी अरब का विजिट वीजा ले रखे हैं, उनके लिए सऊदी अरब फ्री में एक्सटेंशन देगा। हालांकि इस वीजा का मतलब केवल सऊदी अरब में घूमने फिरने या हॉलीडे मनाने को लेकर ही है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि यह कदम महामारी के दौरान लोगों को वीजा के लिए लगे पैसे को सार्थक करने के लिए किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह सारे वीजा जिन्होंने जारी किए गए थे, लेकिन महामारी के वजह से ट्रेवल बैन के कारण अगर लोग उस वीजा पर ट्रेवल नहीं कर पाए हैं तो उन्हें यह फिर से ट्रेवल करने का अवसर दिया गया है। इससे पहले भी 24 मार्च 2021 को सऊदी अरब ने सारे वीजा होल्डर्स को फ्री में ऑटोमेटिक एक्सटेंशन दिया था। अभी तक एक्सटेंशन से सऊदी अरब में लोगों को वापस अपने वीजा पर आने में सहूलियत होगी। 91st सऊदी नेशनल डे के मौके पर सऊदी एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एक नई छूट का ऐलान किया है। एयरलाइंस ने इंटरनेशनल उड़ानों पर 23% की छूट की घोषणा की है। हालांकि एयरलाइंस ने इसके लिए कुछ शर्त रखी है जो कुछ इस प्रकार है। टिकट 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच बुक किया हुआ होना चाहिए। उड़ाने 15 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच होनी चाहिए। डायरेक्ट उड़ानों पर ही यह छूट लागू होता है। वहीं 23% डिस्काउंट इंटरनेशनल उड़ानों पर बेसिक इकोनॉमी क्लास और बेसिक बिजनेस क्लास में बुकिंग होना चाहिए। यह डिस्काउंट टैक्स और सरचार्ज पर लागू नहीं होता है। डिस्काउंट तभी लागू होगा जब टिकट सऊदी वेबसाइट और मोबाइल के जरिए बुक किया गया हो। टिकट बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए सऊदी एयरलाइंस वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूएई में कोरोना वायरस के मामले में कमी दर्ज की गई है। इसी को मद्देनजर अब निवासियों और प्रवासियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। बुधवार 22 सितंबर को NCEMA ने एक नई घोषणा की है। इस घोषणा में यह बताया गया है कि अब लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।